नमस्कार धरित्री अपराह्न को स्वागत करुछि मु भवानी। प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। रत्न बेदीरु जन्म बेदी अभिमुखे श्रीजीव द्वितीय दिन में लक्षाधिक भक्त श्रद्धालु गहन से बड़दाण्ड में गड़ा तीन रथ आउ कई घंटा पर आड़प मंडप विजय करिबे चतुर्थ विग्रह। सुंदरगढ़ में बेस धूमधाम पालित तो होला रथयात्रा। पुणी देखा मिलला से अनन्य परंपरा रीतिनीति अनुजाई देवी सुभद्रा रथ टाणिले महिला श्रद्धालु। संतृप्त मिश्र नवीन को नुआ राजनैतिक सचिव विजु जनता दल रे राज्यस्तरीय विभिन्न कमिटी रहला नव कलेबर। खूब शीघ्र नुआ कमिटी हेले जिलास्तरीय कमिटी और कर्मकर्ता रहिबे अपरिवर्तित। नीट यूजी परीक्षा विवाद मामला आज सुप्रीमकोर्ट में बड़ शुणी। जुलाई 4 रे फल प्रकाश पर सारा देश में सृष्टि होता असंतोष। परीक्षा बातिल अनेक महलर उठी दाबी। कलाहांडी पुणी सक्रिय डकायत गैंग। राजमुडा गांव रतन रणा घरे पशिले सात दुर्बृत्त मारणास्त्र देखा लुटिने लक्षाधिक सुना और नगद टंका। जयपाटा पुलिस तदंत आरंभ। वर्तमान नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। रत्न बेदीरु जन्म बेदी अभिमुखे श्रीजीव द्वितीय दिन में बड़दाण्ड में गड़ी महाप्रभु रथ। आगे आगे आसुचंती बड़ ठाकुर ताध्वज रथ पर माँ सुभद्रा दर्पदलन रथ सभा शेषे महाप्रभु जगन्नाथों रथ आउ कई घंटा पर गुंडीचा मंदिर निकट में पहुंचे तीन रथ। एथनिमे सजई हो आड़प मंडप महाप्रभु अपेक्षार आड़प मंडपर अन बसी भक्त श्रद्धालु महाप्रभु को स्वागत करने गुंडीचा मंदिर पारंपरिक झोटी चितारे झलसुची। केवल अपेक्षा महाप्रभु रथ आगमन को। सुंदरगढ़ में श्रीजीव मान पवित्र रथयात्रा शांति श्रृंखलार सह संपन्न हो गड़चात अमलरु रथयात्रा पालित तो होसुवा। सुंदरगढ़ रजबाटे स्थित जगन्नाथ मंदिर में अपराह्न 5:30 प्रभु बलभद्र जगन्नाथ भौणी सुभद्रा और सुदर्शन विग्रह को पहुंडी विजे कर रथारूढ़। सुंदरगढ़ राजा समरेन्द्र शेखरदेव रथ उपर छेरापहरा और आलती करने संध्या 6:45 रथटणा आरंभ होता। प्रथमे महिला श्रद्धालु माने सुभद्रा रथ को टाणी यहाँ बलभद्र और जगन्नाथ रथ को टणा जाता। रथ दुईट को सबुथर पर एथर मध्य रिजेंट मार्केट छक पर्यंत टणा जा पुणी मंदिर पर्यंत अणा जाता। राति श्रीजीव मान पहुंडी कर मौसीमा आड़प मंडप विजे कर। बीजेडी रे विभिन्न कमिटी रहला नव कलेबर। राज्यस्तरीय समस्त कमिटी को दलर सभापति नवीन पटनायक भंग करिसथि। खूब शीघ्र नुआ कमिटी गठन हेबो बोली एक प्रेस विज्ञप्ति रे कुहा जायछि। तबे जिला स्तरीय कमिटी और कर्मकर्ता अपरिवर्तित रहिबे। आज दल पक्षरु जारी विज्ञप्ति रे कुहा जायछि जे डॉक्टर संतृप्त मिश्र को बीजेडी सभापति नवीन पटनायक राजनैतिक सचिव भाव निजुक्त कर। सुकांत कुमार पंडा को विरोधी दल नेता नवीन पटनायक जनसंपर्क अधिकारी भाव निजुक्त कर। पांच जन को दल जातीय मुखपात्र भाव दल घोषणा कर। डॉक्टर संतृप्त मिश्र कलिकेश नारायण सिंह देव डॉक्टर अमर पटनायक डॉक्टर सस्मित पात्र और प्रदीप कुमार माझी जातीय मुखपात्र भाव दायित्व तुलाइबे। से हीपरि 14 जन को राज्यस्तरीय मुखपात्र भाव दल दायित्व प्रदान कर। प्रसन्न आचार्य प्रमिला मल्लिक देवी प्रसाद मिश्र प्रताप कुमार देव डॉक्टर अरुण कुमार साहू कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र देवीरंजन त्रिपाठी श्रीमयी मिश्र लेखाश्री सामंत सिंहार सुदाम मारंडी सुलता देव रमेश चंद्र माझी भृगु बक्सीपात्र और डॉक्टर लेनिन महांती। वरिष्ठ नेता प्रताप जेना वरिष्ठ राज्य गणमाध्यम संयोजक भाव निजुक्त होता बेले स्वयं प्रकाश महापात्र सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर भाव निजुक्त होती। लेनिन महांती और प्रियव्रत माझी को गणमाध्यम संयोजक भाव दल निजुक्त कर। नीट विवाद नहीं विभिन्न मामलार आज शुणी करेंगे सुप्रीमकोर्ट। नीट यूजी टेस्ट अनियमितता फल नहीं विवाद नहीं आगत विभिन्न मामलार शुणी करेंगे सर्वोच्च अदालत। जुलाई 4 फल प्रकाश पर यह सारा देश में सृष्टि होता असंतोष। विभिन्न महलर सुप्रीमकोर्टे दायर होता बहु मामला एथम्ध अधिकांश जाचिका नीट यूजी परीक्षा बातिल करने दावी कर। केन्द्र सरकार शुक्रवार दिन सुप्रीमकोर्टे दायर हलफनामा नीट यूजी परीक्षा रद्द को विरोध कर। केन्द्र सरकार यही हलफनामारे परीक्षा रद्द कारण लक्षाधिक छात्र छात्री भविष्य अंधकार मध्य ठेली हो। तेज सीबीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पादीवाल और जस्टिस मनोज मिश्र मामलार शुणी करेंगे।
କିଛି ମାସର ନିରବତା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକାହାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟନା ଥାନା ରାଜାମୁଡ଼ା ଗାଁର ରତନ ରଣାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସାତ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଦଶ ଭରି ସୁନାଗହଣା ସହ 4 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଜୟପାଟନା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରତନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାତ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଘରର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଧସି ବସିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ପରେ ରତନଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଗଡ୍ରେଜରୁ 10 ତୋଳା ସୁନା ଗହଣା ସହ ରତନଙ୍କ ସେଜ ତଳେ ଥିବା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ରତନ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରତନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜୟପାଟନା ଥାନାରେ ରତନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜୟପାଟନା ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ହୋଇଛି ଧରିତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.dharitri.com। ନମସ୍କାର।